हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल रंजन सर ट्रिपल एसएस 88। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 9.5 क्वेश्चन नंबर 7। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। तो लिखा है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड फाइंड। इसका मतलब है इस फार्मूले का यूज कीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का और इनकी वैल्यू फाइंड कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, सॉल्व लिख लिया। अब करना क्या है फ्रेंड्स, बस बिल्कुल फार्मूले पर रेंज है, देखिए स्क्वायर तो स्क्वायर, बस इसे लेट ए करना है और इसे लेट बी करना है। अब देखिए क्या करना है, एक फार्मूला आ गया फ्रेंड्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका फार्मूला लिख लीजिए इस प्रकार से। इसका फार्मूला क्या है देख लीजिए, यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस प्रकार से लिखेंगे। अब करना क्या है फ्रेंड्स, हमें लेफ्ट से कोई मतलब नहीं है कि क्योंकि लेफ्ट जो है क्वेश्चन से ही आता है, तो हमें राइट का जो आंसर है उससे कीजिए। ए की वैल्यू देखिए फ्रेंड्स कितना है, हमें स्क्वायर नहीं लेना है फ्रेंड्स, ध्यान रहे स्क्वायर लेना नहीं है क्योंकि फार्मूला पे सेटिंग के लिए आया है। बस हमारा ए की वैल्यू, इसका बेस है 51, तो 51 प्लस बी की वैल्यू कितना है 49 ले लिया और इसी को वापस माइनस में लिख देना है। लिख लिया फ्रेंड्स। अब करना क्या है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100 आएगा, मल्टीप्लाई का साइन, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, और इसके बाद इसमें से एक हटाइएगा तो 2 बचेगा। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए फ्रेंड्स, तो इतना आंसर हमारा आ गया फ्रेंड्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसे कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। इसमें भी वही करना है प्रोसेस सॉल्व, इसे लेट ए कर लेना है, इसे बी कर लेना है। अब दोनों को क्या करना है, फार्मूला पे सेटिंग आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस दे दिया, बी स्क्वायर। अब इसका फार्मूला क्या होता, ऊपर में दिया है फ्रेंड्स, ए प्लस बी और नेक्स्ट होता ए माइनस बी। अब देखिए ए की वैल्यू पुट कीजिए फ्रेंड्स, तो 1.02 प्लस बी की वैल्यू है 0.98, एक बार प्लस में और एक बार इसी नंबर को माइनस में कर लीजिए, 1.02 माइनस 0.98, इस प्रकार से हम अरेंज करेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, तो देखिए इस प्रकार से इसको ऐसे कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, नहीं दिख रहा है, 1.02 प्लस 0.98, एक बार प्लस में लिख लीजिए और एक बार माइनस में लिख लीजिए, तो माइनस में लिख लेते हैं 0.98। अब देखिए हमें क्या करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस तो लिख लिया, अब इन दोनों को प्लस कर लीजिए, तो सीधा एक घड़ी के लिए डेसिमल आप भूल जाइए थोड़े समय के लिए, बाद में डेसिमल बैठ जाएगा। क्या करना है, इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो 102 और 98 करेंगे तो 200 आएगा, कितना आएगा फ्रेंड्स 200। अब डेसिमल कितने अंक के बाद, तो दो अंक के बाद, एक दो अंक के बाद दे देंगे, राइट से देना है फ्रेंड्स, याद रहे राइट से, लेफ्ट से नहीं। अब देखिए डेसिमल के बाद जितने भी जीरो आते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है फ्रेंड्स, इसलिए क्या करना है, इसको आप रफ कर सकते हो, यानी हमारा जो आया इससे 2 आया, यहाँ पे कोई भी साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई, अब इसको माइनस कर लीजिए, 102 में से 98 करेंगे फ्रेंड्स माइनस, तो 4 बचेगा, 4 लिख दिया। अब देखिए डेसिमल कितने अंक के बाद है, एक दो अंक के बाद है, तो दो अंक के बाद कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो एक नंबर है हमारे पास, एक नंबर और चाहिए, तो क्या करना है, लेफ्ट में 0 बैठा देना है, राइट में नहीं, 0.0। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा आपका 4 × 2 = 8 आया, लेकिन डेसिमल कितने अंक के बाद, एक दो अंक के बाद, एक अपने पास एक ही नंबर है, तो एक नंबर और 0 दे देंगे लेफ्ट में, 0.0, ये हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करते हैं, बस देखते रहिए आपके सामने पूरा सॉल्यूशन आ जाएगा फ्रेंड्स। अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर में 3 नोट कर रहा हूँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया है फ्रेंड्स, ये आप लोग का क्वेश्चन सामने रहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, 153 का स्क्वायर माइनस 147 का स्क्वायर। एंड क्वेश्चन नंबर फोर भी नोट कर लेते हैं। फोर में है फ्रेंड्स इस प्रकार से 12.1 और उसके बाद है स्क्वायर माइनस 7.9 का स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ही इजी है, तरीका मालूम होना चाहिए। चलिए इसे लेट ए करेंगे और इसे लेट बी करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वही फार्मूला लिख लीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए फ्रेंड्स वैल्यू बैठा लीजिए, ए की वैल्यू कितनी है 153 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 147। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। और क्या करना है फ्रेंड्स, इस प्रकार से ए माइनस बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू आपका हो गया 153 उसके बाद माइनस बी की वैल्यू 147। इस प्रकार से अरेंज कर लेंगे फ्रेंड्स। अब क्या करना है, इन दोनों नंबर को प्लस कर लेना है। तो प्लस कीजिए, 3 7 10 हो गया। और आपका ये इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं, डायरेक्ट करते हैं तो 300 हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद मल्टीप्लाई दे देंगे, इन दोनों का माइनस करेंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड्स, तो इन दोनों का माइनस देख लीजिए, 13 - 7 = 6 बच गया। कितना बचा फ्रेंड्स, 6। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो 1800 हमारा फाइनली आंसर आ गया फ्रेंड्स। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखेंगे फ्रेंड्स सॉल्व। अब इसको फर्स्ट नंबर को वही पोजीशन अपनाना है, वही प्रोसेस, इसे ए लेट करेंगे और इसे बी लेट करेंगे। अब हमें किस प्रकार से करना है फ्रेंड्स, तो वही करना है। फर्स्ट क्या है, ए स्क्वायर और सेकेंड आ गया बी स्क्वायर। वही फार्मूला लिख लेंगे जिस प्रकार से ऊपर से दिया है, ए प्लस बी इंटू नेक्स्ट हमारा है ए माइनस बी। अब देखिए फ्रेंड्स करना क्या है, हमें ए की वैल्यू पुट करनी है, तो ए की वैल्यू है 12.1 प्लस बी की वैल्यू देख लीजिए, ए की वैल्यू 12.1 प्लस, तो प्लस देंगे बी की वैल्यू 7.9। इस प्रकार से इसे माइनस में एक बार अरेंज कर लेंगे, तो माइनस में अरेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स, माइनस में कर लिया। अब क्या करना है, इन दोनों नंबर का एडिशन करेंगे तो आपका आ जाएगा 200। कितना आएगा फ्रेंड्स, 200 लिख लिया। देख लीजिए 9 1 10 का 0 कैरी 1 और 12 7 आपका 19 और 120। इस प्रकार से हम लोग अरेंज कर लेंगे। और क्या करना है, एक अंक के बाद डेसिमल, तो दे देंगे एक अंक के बाद डेसिमल। तो डेसिमल के बाद क्या होता है फ्रेंड्स, डेसिमल के बाद वैल्यू 0, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, 12 20 आ गया। यहाँ पे कुछ भी नहीं तो मल्टीप्लाई देंगे। अब इनको माइनस करना है, तो माइनस किस प्रकार से करेंगे, 12.1 माइनस 7.9। तो देख लीजिए वन में से 9 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे, 11 - 9 = 2 पॉइंट, ये बच गया आपका 1। 1 में से 7 नहीं जाएगा, 11 - 7 = 4, ये खत्म हो गया। यानी इस प्रकार से आंसर ए आया। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो 840 आ गया। डेसिमल कितने अंक के बाद, राइट से एक अंक के बाद, एक अंक के बाद डेसिमल के बाद 0 की वैल्यू खत्म हो जाती है। इस प्रकार हमें आंसर ए फाइंड हो गया फ्रेंड्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 8। और 8 क्वेश्चन को सॉल्व करते ही ए एक्सरसाइज की समाप्ति और चैप्टर नंबर 9 की भी समाप्ति हो जाएगी फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से दिया है, यूजिंग में दिया हुआ है x प्लस ए इंटू नेक्स्ट है x प्लस बी। इस प्रकार से दिया है और इसका आंसर जो है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, उसके बाद है फ्रेंड्स ए प्लस ए इंटू बी एंड फाइंड देन। इसका मतलब क्या होता है बस एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 103 × 104। नेक्स्ट इसका सेकेंड क्वेश्चन दिया है फ्रेंड्स, 5.1 मल्टीप्लीकेशन 5.2। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो हमें सॉल्व करना है तो क्या करना होगा,
देखिए हमें क्या बोला गया है, यूजिंग x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है एंड ये जो प्रोडक्ट दिया है, ये जो नंबर है, इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई यानी कि फाइंड करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करने वाले हैं, इस फार्मूले पर अरेंज करना होगा। तो सबसे पहले इस नंबर को डिवाइड करना होगा, यानी कैसे करेंगे, तो फर्स्ट नंबर को 100 प्लस 3 करेंगे, ऐसा मतलब इसको दो पार्ट में बांटना है कि ऐड करने पे वापस वही आना चाहिए। अब देखिए सेकंड वाले को बांट रहे हैं, तो इसको भी इस प्रकार से बांटना है कि एक नंबर मैच होना चाहिए। अब देखिए जो पार्ट्स मैच हुआ उसको एक्स ले ऐड करना है, दोनों एक्स होगा, अरे क्या होगा ए, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा बी। तो इस प्रकार से हमें एक फार्मूला मिल गया फ्रेंड्स, क्या फार्मूला मिला, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब देखिए हमें आंसर फाइंड करना है, इससे एक्स की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, तो एक्स की वैल्यू आप बोलेंगे 100 है तो 100 का स्क्वायर, प्लस ए की वैल्यू देख लीजिए 3, प्लस बी की वैल्यू 4, इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 100, 100 लिख लेंगे, प्लस ए इंटू बी, इन दोनों के बिटवीन रिलेशन जो होता है मल्टीप्लीकेशन होता है फ्रेंड्स, तो 3 इंटू 4 कर लेंगे, 3 इंटू 4। अब 100 का स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी पहले से 100 है, 100 इंटू 100 करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस कीजिए तो 7 होगा, 7 में यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो ब्रैकेट के पास हमेशा इनटू होता है यानी मल्टीप्लीकेशन होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 आ जाएगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 700, देख लीजिए कैलकुलेशन, 3 प्लस 7 ब्रैकेट को ऐड कर लिया तो 7 हो गया, 7 में 100 से मल्टीप्लाई किया तो 700 हो गया, और प्लस कितना हो गया फ्रेंड्स 12। अब सभी को ऐड कर लीजिए तो 10,712 हमारा फाइनली आंसर हो गया फ्रेंड्स। अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन बस डेसिमल के फॉर्म में है, इसे अरेंज करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, बस वही प्रोसेस, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर डेसिमल के फॉर्म में है तो उसे अरेंज करते समय डेसिमल नहीं ले तो उचित पड़ेगा, अगर डेसिमल लेते हैं तो भी बनेगा, थोड़ा लॉन्ग बनेगा। तो देखिए इसे 51 में मानता हूं, 51 कैसे बना, 50 प्लस 1, इस प्रकार से लेकर चलना कि एक राउंड वैल्यू होना चाहिए यानी जीरो के साथ और एक विदाउट राउंड, इस प्रकार से इसे करेंगे तो 50 प्लस 2 होगा फ्रेंड्स। अब देखिए दोनों जो वैल्यू मिल रही है उसे एक सेलेक्ट करना है, जो नहीं मिल रही है और डिफरेंस है उसे एक को ए और नेक्स्ट को बी करना है। अब हमें एक फार्मूला मिल गया, वो फार्मूला क्या है, तो है फ्रेंड्स एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अब देखिए इसका फार्मूला क्या होता, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब करना क्या है फ्रेंड्स, एक्स की वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो एक्स की वैल्यू पुट है 50 स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस ए की वैल्यू 1 प्लस बी की वैल्यू 2, इस प्रकार से कर लेंगे, और एक्स एक्स की वैल्यू कितना 50, और प्लस तो प्लस ए की वैल्यू 1 इंटू बी की वैल्यू 2। अब करना है फ्रेंड्स हमें, तो 100 का 50 का स्क्वायर हो गया आपका 2500, प्लस तो प्लस 1 प्लस 3 करेंगे, 1 प्लस 2 तो 3, 3 इंटू 50 150, उसके बाद क्या करना है, प्लस ए हो गया 2 बन जा 2। अब सभी को ऐड कर लीजिए तो 2652 आ गया इस प्रकार से, और डेसिमल बैठा लीजिए, कितने अंक के बाद डेसिमल है, 1, 2 अंक के बाद राइट साइड से 1, 2, ये हमारा फाइनली आंसर आ गया फ्रेंड्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए 3 नंबर इसका क्वेश्चन क्या बोलता है और 3 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, 103 मल्टीप्लाई 98, ये 8 का 3rd 1 है। अब देखिए क्या करना है सॉल्व, इसको अरेंज करते हैं 100 प्लस 3 और नेक्स्ट जो होगा हमारा 100 माइनस 2,
अब देखिए फ्रेंड्स, जो दोनों में वैल्यू मैच हो रहा है उसे ए सेलेक्ट करेंगे, और जो नहीं मैच कर रहा है उसको ए और नेक्स्ट को बी करेंगे। अब देखिए क्या करना है, हमें एक फार्मूला मिल गया फ्रेंड्स, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी। अब इसे इसका फार्मूला चाहिए तो क्या होता फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी, इस प्रकार से इसका फार्मूला है फ्रेंड्स। फार्मूला लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है, तो 100 है, 100 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस ए की वैल्यू 3 माइनस बी की वैल्यू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 100, 100 माइनस ए की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 2। अब देखेंगे इसे करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, 10,000। और क्या करना है फ्रेंड्स, माइनस ए प्लस से तो प्लस, 3 में से ए गया तो 1 बच्चा, 1 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 होगा, माइनस 6। अब करिए प्लस प्लस को ऐड कर लीजिए, माइनस प्लस प्लस को ऐड कर लीजिए और माइनस को घटा लीजिए, तो ये 10,100 आ जाएगा इस प्रकार से, और माइनस 6 तो करेंगे तो 10,094 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड्स, 10,094 हमारा फाइनली आंसर आएगा फ्रेंड्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बस लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, हमारा ये चैप्टर की समाप्ति है। 9.7 मल्टीप्लाई 9.8, इसे कैसे सॉल्व करना है फ्रेंड्स, तो इसको लिखते हैं, आप 90 प्लस 7 भी लिख सकते हो या 100 माइनस 3 लिख सकते हो, तो 100 माइनस 3 मैंने लिख दिया, और इसे क्या करना है, 100 माइनस 2 लिख दिया। अब करना क्या है, जो दोनों में मैच कर रहा है उसे x सेलेक्ट करना है, और इसे a और इसे b। अब देखिए फ्रेंड्स, x माइनस ए और नेक्स्ट आया x माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, इस प्रकार से होता है फ्रेंड्स। तो हमने फार्मूला लिख दिया है, अब इसको बनाते हैं, तो x की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, तो x की वैल्यू आप बोलेंगे 100 स्क्वायर, तो स्क्वायर हमें ऊपर की वैल्यू नहीं लेनी है फ्रेंड्स, जो हमने अरेंज किया है, एक्स स्क्वायर 100 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 3 प्लस बी की वैल्यू 2 इंटू एक्स की वैल्यू 100 और प्लस 3 इंटू 2 ए इंटू बी। अब करेंगे तो 10,000 आ गया, और उसके बाद माइनस ये आपका 5 इंटू 100, इन दोनों को प्लस करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 और प्लस 6। अब देखिए इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हो गया आपका 10,006 आ गया, इस प्रकार से लिख लिए हम लोग, और माइनस 500 कर लेंगे तो कितना बचेगा, देखिए फ्रेंड्स कितना बचने वाला है, तो करते हैं 6 में से तो 6 ही रह जाएगा, 0 में से 0 ही रह जाएगा, 10 माइनस 5 5 रहेगा, ए 9 हो गया, इस प्रकार से आया है। अब डेसिमल बैठा लीजिए, कितने अंक के बाद, एक दो अंक के बाद, राइट से दो अंक के बाद, इस प्रकार हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको वीडियो समझ में आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।